हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा राजपूत आप लोगों के साथ में आज फिर लेके आई हूँ करेला की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। तो सबसे पहले तो मैं पुष्पा राजपूत पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आपको जितने भी करेला बनाने हैं, ये आप इसको करेलियाँ भी बोल सकते हैं, करेला भी बोल सकते हैं। ये खास करके बरसात में ही पाए जाते हैं, क्योंकि करेला तो वैसे हर समय आता रहता, पर ये छोटा वाला करेला है, खास करके बरसात में ही मिलता है। करेले के तो इतने ज़्यादा खाने के फायदे हैं कि हम जितना भी बताएं उतना ही कम है। ये डायबिटीज शुगर सभी को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद करता है, और खास करके जिनको डायबिटीज है तो उनके लिए तो ये रामबाण है, उन्हें तो जरूर करेला खाना चाहिए। पर करेला इतना करवाता है कि हर कोई इसको खाना पसंद कर नहीं करता, पर मैं आज इस तरह से बना करके तैयार करूंगी कि इसको हर कोई खा सकेगा और ये खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने करेला को सबसे पहले तो पानी में धुल लिया है, और दोनों साइड से आप देख पा रहे हो कि इसमें लंबी लंबी डंडी जैसी लगी है, इनको काट करके अलग कर दिया है। और इसके बाद फिर हमने इसका छिलका बिल्कुल नहीं निकाला है, इस तरह से गोल गोल काट करके हमें तैयार कर लेना है। तो आप करेला को किसी तरह से भी काट सकते हैं, यदि आप लंबा काटना चाहते हैं तो लंबा काट सकते हैं। मैंने इसकी करेला की जो रेसिपी है बहुत ढेर सारी डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और आप देख पा रहे हो कि इस करेले में थोड़ा सा बीज पक गया है, तो इस बीज को हम निकाल करके अलग कर देंगे, और ये जो बीज है हम सुखा करके इसको गार्डन में इस्तेमाल करेंगे, ताकि अगले साल जब भी बरसात हो तो हम इस बीज को डाल देंगे और हम इससे पौध तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें सारे करेला को काट करके तैयार कर लेना है। करेला की जो सब्जी है कई तरह से बनाई जाती है, कई लोग सूखी बनाते हैं, कई लोग रसीली बनाते हैं। तो आप इसको किसी तरह से भी बनाइए और सभी को खिलाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस समय बहुत ही ज़्यादा बरसात में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कई प्रकार के बुखार भी आते हैं, तो इन सब से बचने के लिए हमें ये इसकी सब्जी जरूर खाना चाहिए। तो इस तरह से आपको काट करके तैयार कर लेना है, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स नमक, क्योंकि करेला जो होता है इसका जो काफी कड़वापन होता है, इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा होता है नमक डालना। या तो फिर आप यहाँ पर छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, किसी बड़े बर्तन में इसको पहले तो पलट लूंगी, और इसके बाद हम इसमें पानी भर देंगे, और साथ में ही हम डाल देंगे 1 चम्मच भर करके नमक। नमक की आप बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, जितना चाहें आप इसमें उतना डाल सकते हैं, क्योंकि जो नमक हम डालेंगे पानी में सारा धुल जाने वाला है, और इससे क्या होगा कि हमारा जो करेला का कड़वापन होगा वो सारा इसमें निकल जाएगा। और यदि आप इसी तरह सादा बनाना चाहते हैं तो आप सादा भी बना सकते हैं। मेरे पापा तो इस तरह से नहीं बनाने देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं करेला का जो कड़वापन होता है वही फायदेमंद होता है, पर सभी लोग इस तरह से बनाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप यदि इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो मैंने साथ में इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इस तरह से पानी में हमें इसको ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से इसको मिला देना है। अब आप देखेंगे कि पानी के डालने के बाद कुछ टाइम बाद करेला हल्के से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, और इनका जो कड़वाहट होगा वो सारा पानी में निकल जाएगा। तो इस तरह से करेला बनाने के बाद करेला बिल्कुल भी कड़वाएंगे नहीं। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, 1 मिनट बाद पानी में इस तरह से डाल के रख दीजिए। इसके बाद मुट्ठी में भर करके इसका जितना पानी आप निचोड़ सकें उतना आपको निचोड़ देना है। तो ये जो करेला का पानी है और जितना कड़वाहट है सारा ये निकल जाएगा, और ये जो कड़वाहट वाला करेला का पानी है इसको आप पौध में कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बोतल में भर लीजिए छान करके, और यदि आपका गार्डन है तो आप गार्डन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उसके ढेर सारे जो कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे, और काफ़ी सारे कीड़े भी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से पानी को आप फेंकिएगा मत, आप किसी गार्डन में या फिर आप गमले हैं तो उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने देखिए करेले सारे यहाँ पर निचोड़ के तैयार कर लिए हैं, और अब हम डालेंगे कुछ इसमें ऐसा स्पेशल जिससे हमारी जो करेला की सब्जी है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन करके तैयार होगी। तो अब हमें डाल देना फ्रेंड्स यहाँ पर 2 छोटी चम्मच बेसन, क्योंकि ये करेला हमारे जो हैं काफ़ी कड़वाते हैं। और मैंने करेला की सब्जी भी आपके साथ में बहुत सारी ढेर सारी यहाँ पर शेयर की हुई है, और अब हम क्या करेंगे इसमें 2 चम्मच बेसन डाल करके साथ में ही थोड़ा सा हल्दी और डाल देंगे, क्योंकि जो हमने हल्दी नमक डाला हुआ था वो तो सारा निकल गया है। तो अब हमें इस तरह से हाथों की हेल्प से सारे बेसन की कोटिंग हमें करेला में कर लेना है। तो इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए हमें अच्छे से बेसन को इसमें मिला लेना, तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। और पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि करेला हमने पानी में पहले डाल दिए हैं तो ये काफ़ी सारे गीले हैं, और नमक डालने की वजह से पानी करेला काफ़ी छोड़ता भी है। तो इस तरह से हमें सिर्फ बेसन से इसको मिला लेना है, कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारा ये जो बेसन है इसमें अच्छे से मिल चुका है।
है। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो आपको ले लेना है कढ़ाई, आप कोई भी कढ़ाई ले लीजिए जो भी आपके पास हो। और इसमें हमें डाल देना है 200 ग्राम के करीब करेला, क्योंकि मैंने यहाँ पर आधा किलो करेला लिए हैं, तो इसमें आपको 200 ग्राम तेल की ज़रूरत पड़ेगी। ये तभी आपके करेला जो हैं बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होंगे। अब हम जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हमें इसमें कुछ नहीं डालना है, सीधे करेला को इस पे डाल देना है। तो अब हम करेला को इसमें तब तक पकने देंगे तब तक ये अकड़ के बिल्कुल सूख नहीं जाते हैं। तो हमने देखिए तेल में इसको डाल दिया है, थोड़ा सा उलटते पलटते हुए, ना ही हम गैस को यहाँ स्लो करेंगे, तेज ही रखेंगे और बराबर इसको चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते हैं, क्योंकि करेला का करवाट तभी जाता है जब करेला अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो बस बीच बीच में हमें इसको चलाते जाना है और बस इसको अच्छे से पकने देना है। तो इस तरह से करेला हमारे बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होंगे। करेला की सब्जी है फ्रेंड्स, ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि करेला की जो सब्जी होती बहुत ही ज़्यादा फायदेमंदी। वैसे तो करेला हर समय मिलता है, पर ये जो छोटे वाले करेला होते हैं वो सिर्फ बरसात में ही पाए जाते हैं, और ये खाने में यदि इनकी ठीक से सब्जी बनाई जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ख़ास बात ये है कि फ्रेंड्स इसको आप एक दिन बना के रख लीजिए और आप इसको एक हफ्ते तक यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बिल्कुल ही सूखे बन करके तैयार होते हैं। तो ये आप सब्जी को एक हफ्ते तक यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो यहाँ आधा किलो मैं बना रही हूँ, तो मेरे यहाँ आधा किलो एक दिन में ही साफ हो जाते हैं। पर आप ज़्यादा बनाइए तो आप इसको फेंकिएगा मत, यदि सब्जी बच जाती है तो उसको अगले दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे इनका करेला का आप देख पा रहे हैं कि कलर चेंज होता जा रहा है और ये पक करके तैयार होते जा रहे हैं। तो ये जब पक जाएंगे तो काफ़ी हद तक सिकुड़ जाते हैं, तभी इनकी आपको गैस को थोड़ा सा धीमा करना है। तो अब साथ में ही हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाल दें, क्योंकि जो हमने पहले नमक डाला था वो सारा पानी में निकल गया। अब मसाले के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, साथ में ही हरी मिर्च और मैंने थोड़ा सा टमाटर और प्याज का इस्तेमाल किया, इसका पीस करके हम तैयार कर लेंगे। तो इधर देखिए फ्रेंड्स हमारे करेला भी बिल्कुल अकड़ चुके हैं और ये अच्छे से बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि इसका कलर एकदम बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमें करेला को चाहिए। अब हम आप चाहें तो करेला को अलग कर लीजिए या फिर आप इसी के साथ में ही मसालों को डाल दीजिए। तो मैंने जो मसाले पीस करके तैयार किया हुआ था, प्याज, अदरक, लहसुन और साथ में ही टमाटर का पेस्ट, तो इसको मैंने डाल दिया है। तो हमने देखिए करेला को निकाला नहीं है, उसी में ही डाल दिया। इससे क्या हुआ कि करेला जो हमारा थोड़ा सा कड़वे हो गए हैं, सॉरी जो थोड़ा सा टाइट हो गए हैं, वो इस तरह से मसाले के साथ में थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको निकाला नहीं है, साथ में ही मैंने मसालों को डाल दिया है। तो इस तरह से अब हमें प्याज और ये जो हमने मसाला पीस करके डाला हुआ है इसको हमें अच्छे से भूनने देना है। मसाले जब अच्छे से भूनते हैं तभी सब्जी में अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें और पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको बराबर चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप छोड़ देंगे तो आपके जो मसाले हैं वो जल सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये मसाले हमारे भूनते जा रहे हैं। तो मैं इसमें थोड़े से कुछ खड़े मसाले इस्तेमाल करूंगी, जैसे सौंफ। आप कुछ मसाले डालें या ना डालें, सौंफ को आप करेला में ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि सौंफ का जो फ्लेवर होता है ना वो करेले के स्वाद को 2 गुना बढ़ा देता है और ये एकदम हलवाई की तरह बन करके तैयार होते हैं। तो मैंने खड़ा सौंफ, थोड़ा सा खड़ा धनिया और इसके बाद पिसे मसाले डाल दिए। 1 चम्मच खटाई पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, साथ में ही मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब बस हमें थोड़ा सा इसको और चलाना है। आप देख पा रहे हैं कि मसाला हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है, बस इसको हमें थोड़ा सा और भूनने की ज़रूरत है और ये हमारी सब्जी फ्रेश बन करके तैयार हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि जितना मैंने ये तेल डाला हुआ था सारा यहाँ पर एकदम मसाले में मिक्स हो चुका है। तो आपको लग रहा होगा कि ये 200 ग्राम तेल बहुत ज़्यादा है, तो नहीं फ्रेंड्स, करेला के साथ में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है तभी हमारी सब्जी स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। तो हमारी सब्जी बन करके फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ये करेला कोई कहेगा कि ये हमने करेला की सब्जी बनाई हुई है, और मैं तो जब करेला बनाती हूँ तो इतनी खुशबू आती है कि सारे मोहल्ले वाले जान जाते हैं कि आज पुष्पा के यहाँ करेला की सब्जी बनी हुई है। तो आप इस तरह से
बनाइए और सभी को खिलाइए, क्योंकि ये बिल्कुल भी करवाने वाले नहीं है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। जिसको आपने एक बार खिला दिया ना, तो बार बार आपको ये सब्जी बनाने की डिमांड करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बनाइए और सभी को खिलाइए। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो आज की हमारी ये स्पेशल करेला की सब्जी फ्रेंड्स तैयार है, इसको बनाइए, सभी को खिलाइए और अपने घर वालों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। तो आप इस तरह से सब्जी बना करके सभी को अपने परिवार वालों को खिलाइए। तो आज के लिए इतना, कल आपकी पुष्पा फिर हाजिर होगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी रेसिपी के साथ आप यूं ही बने रहिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।